नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। नेट कट ऑफ 2022 के छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। MCC की तरफ से कट ऑफ जो है कम किया जाएगा और साथ ही साथ बड़ा बदलाव हो रहा है। नीट कट ऑफ में कम अंकों पर भी अच्छा कॉलेज मिलेगा। जितने भी छात्र हमारे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आपको बताते रिजल्ट यहाँ पर संशोधित होगा क्या, क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों ने कमेंट किया था स्कोर कार्ड और आंसर की में अंक जो है अलग अलग है। तो पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है नीट काउंसलिंग 2022 पर। आपको बता दें 10 डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, ये पूरी अपडेट आ चुकी है। संभावित तिथि भी आ चुकी है, नीट UG 2022 की काउंसलिंग की संभावित डेट आ चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है 25 सितंबर 2022 से नीट काउंसलिंग शुरू हो सकती है। हालांकि इसकी जो है औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई। पूरा शेड्यूल जो है MCC की ऑफिशियल साइट MCC.NIC.IN पर जारी किया जाएगा। वहीं नीट AIQ काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 10 सबसे डॉक्यूमेंट्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे आप चुको कॉपी मिल चुकी है कि यहाँ पे नीट का UG का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, जन्म बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें इस बार कम अंकों पर भी अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पिछली बार 134 मिनिमम कट ऑफ गई थी, वो अब की बार 117 हो चुकी है। यानी कि पिछली बार की तुलना में इस बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, जिसके चलते इस बार कम अंकों पर भी छात्रों का सिलेक्शन होगा।